आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% के क्षतिज आरक्षण का मसला सरकार ने दिखाया तो इस तरह कि बहुत जल्दी देना है, लेकिन जब विधानसभा में ये मसला आया तो उसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इस बीच प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की राज्य आंदोलनकारियों ने, तो वहाँ भी गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। प्रेमचंद अग्रवाल किसी बात को लेकर नाराज़ दिखाई दिए, उसके वीडियो भी तमाम जगह वायरल हुए। राज्य आंदोलनकारी जो अपने हक की लड़ाई सालों से लड़ते आ रहे हैं, उस पर अगर सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है तो फिर देरी क्यों हो रही है? इस मुद्दे पर क्या राज्य आंदोलनकारी इस समय सोच रहे हैं? हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी हैं। सर, वित्त मंत्री प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं, आपकी मुलाकात हुई थी, क्यों गर्म हो गए वित्त मंत्री इतना? देखिए, अभी विषय हमें खुद नहीं पता क्या क्यों गर्म हुए। उनका कहना ये था कि मैं डॉक्टर के पास से आया हूँ, उनका दांत में दर्द था, दवाई लेके आए हैं, ट्रीटमेंट करा के आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक गैप, उनका जो स्टाफ था और आंदोलनकारियों और मंत्री जी के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से हुआ। क्योंकि हम तो जब उनके स्टाफ ने कहा कि वो नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं, तो हम तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन उन्होंने शायद कोई कम्युनिकेशन किया होगा तो उन्होंने फिर हमें वापस बुलाया, हमें बिठाया कि वो आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। उसके बाद जब माननीय मंत्री जी आए और मेरे ख्याल से अंदर कमरे में चले गए कह के कि भाई मेरे को दांत में ज़्यादा दर्द है, मेरे को डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है, आप पीए से बात करिए, तब हम लोग जरूर भड़के कि भाई एक बार हमें एक घंटे आपने बिठा दिया, या तो पहले ही हमें मना कर देते, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। अगर कोई किसी का कोई अस्वस्थ है तो हम भी कोई जबरदस्ती किसी को जबरदस्ती करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। बहरहाल उनसे वार्ता हुई है और वार्ता के बाद उन्होंने ये आश्वासन हमें दिया था कि इस महीने के अंत तक, नहीं तो अगले महीने के शुरुआती दौर में हम लोग इसको प्रवर समिति की अंतिम बैठक करेंगे। हमारा कहना ही इसमें यह है कि इसमें प्रवर समिति बनाने की कोई औचित्य नहीं था कायदे से, क्योंकि यह बिल अपने आप में परिपूर्ण था। किन वजहों से, किन कारणों से इसमें आपत्तियां लगी विधानसभा के अंदर, यह बड़ा सोचने विषय है। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि प्रवर समिति बनी है और प्रवर समिति को एक पहले 15 दिन का समय, फिर उसके बाद 1 महीने का समय, वहां तक तो हमने इंतजार करा, लेकिन फिर 2 महीने का जब हमने समय सुना तो निश्चित तौर से सभी राज्य आंदोलनकारियों में रोष था और इसमें हमने तीव्र रोष के लिए हम लोग वहां पर माननीय प्रवर समिति के अध्यक्ष के पास गए थे। तो अब क्योंकि उनका ये बयान आया है कि 31 तारीख को बैठक होगी, हम आशा करते हैं कि 31 तारीख की बैठक को उसको फाइनल करके वो पुनः इसको विधानसभा में भेजें और फिर विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अविलंब 9 तारीख से पहले एक विशेष सत्र बुलाकर इसको कानूनी रूप अमली जामा इसको पहनाया जाए। नेगी जी, प्रवर से जब जो बात आप कह रहे हैं वो हमें भी लगा, विधानसभा में जिस दिन ये आया बिल, प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ पुरानी नौकरियों और नई नौकरियों को लेकर कुछ जो भी मसला था वो प्रवर समिति को सौंपा गया, चलिए यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन प्रवर समिति का इतिहास उत्तराखंड में कुछ अच्छा रहा नहीं है। हमने देखा कि लोकायुक्त का बिल अभी भी प्रवर समिति में है, वो एक बार प्रवर जो सदन की जो समिति में जो चला जाता है मामला, वो संपत्ति बन जाता है सदन की, बहुत देरी हो जाती है। हालांकि यहाँ हमने देखा कि बैठकें तो हो रही हैं क्योंकि आप लोग लगातार उस पर कर रहे हैं, कहीं ये डर तो नहीं है कि ये प्रवर समिति का जो खेल है, क्योंकि पुराना इतिहास सही नहीं है? निश्चित तौर से देखिए, हमने जब ये 15 दिन का समय था तो हमें लगा तो शायद 15 दिन इन्होंने एक अल्टीमेट समय दिया है, लेकिन उसके बाद 1 महीना जब बढ़ाया, हम लोगों ने तब भी हमने आपत्ति जताई थी, माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था इसको जल्द करा जाए, और जब ये 2 महीने का आया तो निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में इसमें चिंता जाहिर हुई, आक्रोश हर जगह व्यक्त अपने तरीके से सब लोगों ने किया है। तो ये जरूर है कि निश्चित तौर से प्रवर समितियों का आज तक का इतिहास सही नहीं रहा, लेकिन अब अगर क्योंकि ये अंतिम बैठक अगर ये 31 तारीख को कुछ नहीं होता तो निश्चित तौर से हमें भी कुछ बड़े कार्यक्रम, बड़ा विरोध के तौर पर हमें सड़कों आना होगा। पिछली बार एक बार बैठक हुई थी तो कुछ लोग जो सदस्य थे वो नहीं आ पाए थे, 31 तारीख को कहीं ये फिर टालमटोल होता है तो आप लोग आगे क्या सोचेंगे इसमें? निश्चित तौर से अगर 31 तारीख को कोई इसमें निर्णय नहीं होता है तो हम बैठक करके एक बड़े कार्यक्रम की हम घोषणा जरूर करेंगे, निश्चित तौर से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे जगमोहन नेगी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का जो मसला है वो सरकार ने एक निर्णय लिया है, सरकार एक बिल लेकर सदन के भीतर आई, विधानसभा के पटल पर वो बिल रखा गया, लेकिन कुछ जो अड़चने थी उनको देखते हुए प्रवर समिति को ये
बिल सौंप दिया गया, यानी कि कुछ इसमें प्रावधान होने हैं, कुछ अमेंडमेंट होने हैं, उसके बाद ये विधानसभा सत्र में वापस आएगा। प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं, लेकिन कभी होता है कि सदस्य नहीं आते तो बैठक टल जाती है, कभी प्रवर समिति के अध्यक्ष से मुलाकात होती है तो गर्मा गर्मी की तस्वीरें बाहर आती हैं। तो कुल मिलाकर लंबे समय से जो सड़कों पर राज्य आंदोलनकारी अपने आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो फिलहाल पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच 31 तारीख को यानी कल एक बड़ी बैठक प्रवर समिति की है, सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कल होने वाली बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा या फिर ये मामला और पेचीदा होने वाला है। कैमरा में मैं रूपाध्याय के साथ हेमवर्ट, जय भारत टीवी।